की ओर रुख करते हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्गी ने ट्वीट किया, ब्रिटिश हुकूमत से बीजेपी की तुलना की, किसानों को स्वतंत्रता सेनानी बताया है, तो ब्रिटिश ने भी राजद्रोह का केस लगाया था। ये कहना है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का, तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से बीजेपी की तुलना की है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्गी ने ट्वीट किया है, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत से बीजेपी की तुलना की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, किसानों को स्वतंत्रता सेनानी बताया है उन्होंने ट्वीट कर। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश ने भी राजद्रोह का केस लगाया था। तो आइए चर्चा करेंगे इस खबर पर अधिक। हमारे साथ अजय सिंह यादव कांग्रेस से अपना वक्तव्य रखेंगे, वहीं उमेश शर्मा भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी नमस्कार। अजय सिंह यादव जी के पास आना चाहूंगी। पहले अजय जी क्या कहेंगे, आप तो जानते ही होंगे दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, निशाना साधा है भाजपा पर और इसी के साथ किसानों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। देखिए, जिस तरह से देश में पिछले 3-4 महीने से कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, उसके बाद भी सरकार ने तानाशाही पूर्वक रवैया बरकरार रखा, ये अंग्रेजों की याद दिलाने वाली बात हो गई है। लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लोकतंत्र में जनता विरोध करती है तो उस विरोध को माना जाता है और सरकार को ये तीनों कानून रद्द करने थे। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा, 1988 में हमारी सरकार थी, केंद्र में 450 सांसदों के साथ महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आंदोलन किया, दिल्ली में लाखों किसानों को लेके आए, राजीव गांधी जी ने 2 दिन में उनकी तमाम मांगे मान ली, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह से अवहेलना नहीं की जाती है और ये सरकार उन्हीं किसानों के ऊपर। चलिए ठीक है, वक्तव्य ले लेते हैं उमेश शर्मा जी से भी। उमेश शर्मा जी क्या कहेंगे, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये कहना है अजय सिंह यादव का। मुझे अजय सिंह जी के वक्तव्य पे तो कुछ नहीं कहना है, मैं तो मूल विषय पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मैं तो दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट केंद्रित करके अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूं कि वो दिग्विजय सिंह जी कौन से दिग्विजय सिंह जी थे जिन्होंने 1990 के अंदर मुलतई में उनकी खुद की सरकार में 24 किसानों को गोलियां चलवा के मरवा डाला था? क्या वो किसान नहीं थे? और क्या जनरल डायर का जो रूप दिग्विजय सिंह जी ने 1990 में अपनी सरकार के समय दिखाया था और 24 किसानों के ऊपर मुलतई में गोली चलवा दी थी, 24 किसान उस गोली चालान में मारे गए थे, दिग्विजय सिंह जी उन किसानों के बारे में खामोश क्यों नहीं है? उन हत्याओं का पाप अपने माथे पर क्यों नहीं? बड़ा आरोप। अजय सिंह यादव जी क्या कहेंगे? करवाई थी जी और हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा है। 1975 में जिस सरकार ने इंदिरा गांधी के लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही पूर्वक इमरजेंसी लगा दी, वो हमको लोकतंत्र का पाठ कराएंगे? चलिए अजय जी का पक्ष भी सुन लेते हैं। देखिए प्रेरणा जी, जिस तरह से मुलताई में गोलीकांड हुई थी, हमारी सरकार ने तत्काल कलेक्टर एसडीएम सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया था। हम आपकी तरह कार्रवाई नहीं करते, हमने कभी उस कार्रवाई को नहीं किया। सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। 24 चलिए देखिए तत्काल कार्रवाई की थी। बिल्कुल, उमेश शर्मा जी को भी मैं बताना चाहूंगी, उस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार से बिल्कुल इस प्रकार से आरोप इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं है, तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को किसान हितैषी बता रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। बता दें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ब्रिटिश हुकूमत से बीजेपी की तुलना की है, उसी को लेकर एक बार फिर से अब सियासत यहां गर्माती हुई दिखाई दे रही है।